सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। एडवोकेट कनिका आहूजा ने बताया कि गुरमीत राम रहीम सिंह को अब पंजाब में नहीं लाया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआईटी ने गुरमीत राम रहीम सिंह को कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए रोहतक सुनारिया जेल से पंजाब लाने की अदालत से मांग की है, जबकि जांच पूरी हो चुकी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्यवाही हुई, इस बारे में खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट कनिका आहूजा से। बेअदबी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं एडवोकेट कनिका आहूजा, इनसे जानते हैं कि अदालत में इस मामले में क्या कार्रवाई हुई थी। देखिए, बेअदबी के मामले में जैसा कि सब जानते हैं इसमें तीन एफआईआर्स हैं। एफआईआर नंबर 63 में पहले ही हमें राहत मिल चुकी है, जब प्रोडक्शन वारंट पिछले अक्टूबर में कोर्ट ने स्टे कर दिए थे। इसके बाद एफआईआर नंबर 117 और एफआईआर नंबर 128 में भी हमने सिमिलर रिलीफ के लिए एप्लीकेशंस फाइल करी थी, जो कि कल कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने सिमिलर रिलीफ हमें इन दो एफआईआर्स में भी प्रोवाइड करा दिया है। कनिका जी, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये सैक्रिलेज के बेअदबी के तीन केसेस हैं, एफआईआर नंबर 63, 117 और 128। एफआईआर नंबर 63 में राम रहीम को पहले ही एक्यूज बना दिया गया था, जो कि उस एफआईआर में भी 5 साल बाद बनाया गया था, और अब एफआईआर नंबर 117 और 128 में भी नॉमिनेट कर दिया गया एज एन एक्यूज्ड। इसके बाद सिमिलर रिलीफ के लिए कि हमें पंजाब इंटेरोगेशन के लिए और ट्रायल के लिए ना लाया जाए, इसके लिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि कोर्ट ने अब ये फैसला दिया है कि एंटायर ट्रायल के लिए इनको वीसी के द्वारा ही पेश किया जाएगा, पंजाब नहीं लाया जाएगा। कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया है और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिए हैं कि तीनों सैक्रिलेज के केसेस में राम रहीम जो है अपने बेल बॉन्ड्स भरेंगे, जो कि वीसी के जरिए ही भरेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि हम तीनों केसेस में अब वो बेल पे रहेंगे। सेकंड, ट्रायल की कोई भी प्रोसीडिंग हो, चाहे वो चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज हो, चाहे वो 313 की स्टेटमेंट हो, क्योंकि वो ये ऐसी स्टेजेस होती हैं जहां पे अक्यूज के सिग्नेचर्स या प्रेजेंस की जरूरत होती है, तो इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि आप वीसी के जरिए करेंगे। इन केस कोई भी डॉक्यूमेंट है जो फरीद कोर्ट के मैजिस्ट्रेट चाहते हैं कि राम रहीम से पेश पुटअप किया जाए, तो वो वहां से भेजेंगे कम्युनिकेशन टू दी मैजिस्ट्रेट एट रोहतक, वो जाके फिर जेल में उनसे डॉक्यूमेंट पुटअप करेंगे और इस तरह से कार्रवाई चलेगी, यानी पंजाब नहीं लाया जाएगा, वीसी के जरिए ही सारा ट्रायल चलेगा। कनिका जी, एसआईटी ने अदालत से क्या मांग की थी? देखिए, एसआईटी की एक ही मांग है जो उनकी पहले से है कि हमें इंटेरोगेशन के लिए हमें कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहिए, इसलिए हमें उन्हें रोहतक से पंजाब लाना है, जिसका कोई बेसिस नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट में भी हुई है और जो ऑर्डर में भी लिखी गई है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है। वंस इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी कम्प्लीट, चलान कोर्ट में आ चुका है, अब केस ट्रायल की स्टेज पे है, तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज खत्म हो चुकी है, ये कोर्ट ने ऑर्डर्स में भी लिखा है। उसके अलावा आईजी के कम्युनिकेशंस को भी डिस्कस किया है, जहां पे ये है कि फाइल्स आईजी के पास पड़ी हैं, तो उन्होंने एसआईटी से कहा है कि अब ये वॉल्यूमिनस फाइल्स हैं, आप यहां से ले जाइए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन खत्म है, इसलिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन का कोई सवाल नहीं उठता। ये थी मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट कनिका आहूजा। इन्होंने बताया कि बेअदबी के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को अदालत से राहत मिल गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।